जो ये है गेस्ट टीचर है, तो गेस्ट टीचर लोग आया कि हम लोग क्या होगा सर बंदे हो जाएगा, तो उसके लिए कहे तुम ऑनलाइन करो, जहाँ तक मौका हेल्प किया जाता है। यही कराने के लिए तुम आए थे? हम सर क्या करें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पर स्याही फेंकी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना तब हुई जब विश्वविद्यालय में चल रहे हंगामे के बीच कुछ छात्र उनसे बातचीत करने गए थे। इसी दौरान एक छात्र नेता बम्बम प्रीति ने प्रोवीसी पर स्याही फेंक दी। वहीं मौजूद दूसरे शख्स से जब हमने इसको लेकर बात की, घटना के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने साफ कहा है कि विश्वविद्यालय में जो आंदोलन हो रहा है वो प्रोवीसी के द्वारा ही प्रायोजित है। आंदोलन खत्म कर विश्वविद्यालय खुलवाने की बात कही गई तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की। इसके बाद ही आक्रोश में आकर हम लोगों ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। यहाँ के जो प्रतिकुलपति हैं वो राजनीति करते हैं, और राजनीति करके ये आंदोलन उनका प्रायोजित आंदोलन है, और आम छात्र अवाम परेशान है। छात्रों को न प्रोविजनल न माइग्रेशन कोई भी चीज़ नहीं, परीक्षा यहाँ का बाधित है। इसी को देखते हुए ये यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो बंदी को या विश्वविद्यालय खोलवाने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल प्रोविसी जो है डीजल के नाम पर पैसा, स्वास्थ्य के नाम पर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग अखिल बिहार छात्र एकता और अंग क्रांति सेना ने प्रोविसी को मोबिल पोता है। वार्ता गए, वार्ता निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। जब मैंने उनको पूछा कि कल आप खुलवाइए किसी तरह विश्वविद्यालय, तो उन्होंने बोला, असमर्थता जाहिर की और बोला कि हम क्या करें, उल्टे सीधे बात करने लगे। तो हम लोग आवेश में आके और विरोध के नाते, मैं मतलब उनको मैं कुछ नहीं किया हूँ, केवल विरोध दर्ज कराया हूँ कि मैंने, जब आप यहाँ कुछ नहीं, कालिक पोतने का काम, कालिक पोताना ही चाहिए उन लोगों को, कालिक पोतने का वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कालिक पोता। बता दें कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पिछले 9 दिनों से लगातार बवाल हो रहा है। बता दें कि कई वर्षों से विश्वविद्यालय के कुलपति की मौजूदगी नहीं रहने को लेकर छात्र परेशान हैं। साथ ही परीक्षा में हो रही देरी से भी छात्रों में रोष है, जो अब प्रोवीसी पर भारी पड़ गया है। इधर जब हमने इस घटना के बारे में प्रोवीसी से बात की तो उन्होंने छात्रों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने की बात भी कही है। लड़का वो आया था एक दूसरा कोई एंटी सोशल एलिमेंट को लेके, और अभी के बंदी पर बात हो रही थी, तो उसी में हमने कहा कि ये तो जो वाइस चांसलर के अपॉइंट जो डिमांड है वहाँ पर बंदी में लोगों का, वो है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति, तो वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक है बंद कर रहा है लोग, हम लोग समझा बुझा के हम लोग चाहते हैं बंदी टूट जाते, बच्चों को दिक्कत हो रही है। जितना भी काम था, जितना डिग्री था, वो भी साइन होके आ गया है, वो बंटवाना है, परीक्षा रुकी हुई है, परीक्षा करवाना है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो इंस्टॉलमेंट बंद हो। लेकिन हमें लगता है कि ये लोग एक एजेंडा लेके आया था, और आके ये बात चल ही रही थी कि उसने कुछ गंदा चीज़ है मोबाइल भी वो देख पर फेंक के और उसको भाग गया, वही बात ही हो रही थी। लेकिन ये ऐसा इवेंट है, ये सब जानबूझ के करने आया था। हमें लगता है कि इन लोगों को ये पता चल गया था कि हमारी वार्ता होनी है, और उसमें कल परसों में ये जो हड़ताल है या तालाबंदी है वो टूट जाएगा, हड़ताल खत्म हो जाएगा, ये ना खुले तालाबंदी, इसके लिए ये लोग आया था। तो आगे क्या कीजिएगा सर? नहीं, हम लोग ये तो एक तो प्रॉक्टर को हम कहेंगे जिस पर एफआईआर किया जाएगा, और दूसरी बात है जो हमारा बच्चों से वार्ता है, जो गेट पर बंद कराए हुए हैं, वो हमारी वार्ता होगी, ये इन सब एलिमेंट्स हम घबराने वाले नहीं। जानकारी के अनुसार अंग क्रांति सेना के अध्यक्ष शिशिर रंजन और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम्बम प्रीति प्रोवीसी से विश्वविद्यालय खुलवाने को लेकर मुलाकात करने गए थे। विश्वविद्यालय बंदी का कोई हल नहीं निकलने से आक्रोश में आए छात्र ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। ये सब मीडिया के सामने हुआ। ये पूरी घटना वहीं मौजूद रिपोर्टर के फोन में कैद हो गई, जो अब खूब वायरल भी हो रही है। भागलपुर से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है राजीव सिद्धार्थ ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।